वालेकुम माजी कुजीन यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लम। आज माजी कुजीन में हम बना रहे हैं चिकन के पराठे। जी हाँ, चिकन के पराठे ये बहुत लजीज बनते हैं और मजे की बात है। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर सालन पड़ा हो मुर्गी का तो आप उससे भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं आटा, मैंने 4 कप रेगुलर जो गंदम होती है वो लिया है, इसको मैं आटे को गूंद रही हूँ। उसके साथ मुझे और क्या क्या चीजें दरकार है मैं आपको बताती हूँ। मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने 250 ग्राम के करीब आलू लिए हैं। पोटैटो इनको मैंने बॉईल करके इनका छिलका उतार के इनको मैश कर लिया। साथ में मैंने तकरीबन 300 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है बोन्स मेथ। इसको मैंने 9 मिर्च, हल्दी और लहसुन प्याज डाल के अच्छी तरह से इसी के पानी में मैंने इसको अच्छी तरह से टेंडर कर लिया। इसके साथ और क्या जाएगा, इसके साथ मैंने धनिया लिया बारीक कटा हुआ, ये हरा प्याज है वो इसमें जाएगा। हरे प्याज का ये दोनों हिस्से हैं, हरे प्याज के दोनों इसमें जाएंगे। मैंने थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, हरी मिर्चें 3-4 ली हैं, ये पुदीना, साथ 1 टेबल स्पून नमक है, ये होम मेड चाट मसाला है, जीरा पाउडर है, हल्दी है, धनिया है और रेड चिल्ली है। इतनी देर में हम इधर अपनी डो तैयार हो जाएगी, फिर हम सबको मिक्स कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने ये पराठे बहुत लजीज बनते हैं कैसे बनने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आटे को गूंद लिया, आटे को आधा घंटा स्टे दे के 3 मैंने पेड़े बना लिए आपको दिखाने के लिए। अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जुबानों को अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखा करें, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम की कसरत किया करें ताकि अल्लाह तबारक तआला हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह राजी तो जग राजी। ये अब इसके साथ ये जो मैंने लिया हुआ ग्रीन मिर्चें और अदरक मैंने इसमें वो ऐड कर दिए, साथ ही मैंने ग्रीन प्याज का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो डालें। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल आपको तो दूसरा प्याज भी आप डाल सकती हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कुकिंग। इसके साथ मैंने पुदीना लिया है वो इसमें ऐड कर दूंगी, साथ मैंने धनिया लिया वो ऐड कर दूंगी। फिलहाल मीन मैंने अपना सारा मसाला मिक्स कर लिया है। इसमें क्या क्या गया, इसमें चिकन था, आलू थे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, गरम मसाला, कलवंजी, अजवाइन, ये सब कुछ डाला, इसको मिक्स कर लिया। आटा मैंने बना के रख लिया था, उसके साथ मैंने 3 पेड़े बना लिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको यूं थोड़ी सी जितनी आपको पसंद है डो मैंने उठाई है इधर से, ये जो मटेरियल है, और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने पराठे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जुबानों को अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखा करें, जब भी खाना बनाएं उसमें अल्लाह ताला का शेर जरूर निकाला करें, इससे अल्लाह ताला आपके खाने में बरकतें बरकतें ही डालेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसको हंसपे पसंद बेल लूंगी, उसके बाद मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जो ही मेरा तवा गर्म हो जाएगा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे सहरी में भी बना सकती हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। मैं आपको एक टिप दे दी, अगर आपका लेफ्ट ओवर सालन हो तो उससे भी आप इसी तरह से शर्ट कर लें, उसमें धनिया डालें, आलू डालें, प्याज डालें, पुदीना डालें, मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है, इसमें अदरक भी डाला है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत जबरदस्त किस्म के पराठे आपके तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह स्पी जबरदस्त किस्म के हमारे पराठे बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस माँ के कुल के लिए जिसने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा है। तो आप इसे माशाल्लाह से बनाइएगा, आम रूटीन में बनाएं, सहरी में बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। जब भी रोटी पका लें तवे को वहां से उठा लिया करें ताकि उसका जो टेम्परेचर है ना थोड़ा कूल डाउन हो जाए, डाउन हो जाए ताकि आपकी रोटी सड़े ना, जले ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे पराठे जबरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे चिकन पराठा जबरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। मैं इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसे ग्रीन रायते के साथ, टोमेटो केचप के साथ, और भी काफी मैंने आपको डिप बताई हुई है किसी के साथ भी सर्व कर सकती हैं।
सहरी में बना के खाएं, वैसे दें बच्चों को लंच बॉक्स में दें, इंशाल्लाह ताला ये बड़े हटके बनते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपने और क्या करना है, अगर आपने हमारे चैनल माजी कुजैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी गुजारिश है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और इसके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसी तरह हेल्दी वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।